वेलकम टू सफरनामा विद हीरल। नाम तो आपने सुन लिया, पर ये है क्या? अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दिस। बहुत सालों से मैं ये सब काम कर रही हूं एंड लोगों ने ना मुझे बोला कि इतना सब कुछ तो तुम कर रही हो, बट हाउ डू आई ब्रिंग इट फॉरवर्ड सो दैट अदर पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, सो दैट अदर पीपल कैन लर्न टू बिलीव इन देयर ओन ड्रीम्स एंड अचीव देम। तो ये एक मेरी छोटी सी पहल है, इट इज माई ब्रेन चाइल्ड टू एक्चुअली help women achieve their dreams, because women empowerment is a big part of my life. I totally believe that women should be out there doing what they want to do in the way they want to do it. So सफरनामा एक हमारी छोटी सी पहल है इन सब चीजों को एक साथ बांधने की। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आई एम जस्ट नॉट गोना बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू। हम फूड वॉक्स पे जाएंगे, हम खाना एक्सप्लोर करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे आपसे बात करने के लिए। वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट वी फेस ऑन एन एवरी डे बेसिस, एक माँ होने के लिए, एक यू नो बीवी, घर सब मैनेज करने के लिए, एक बिजनेस वुमन होने की वजह से। तो हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। वी विल ऑल्सो गो आउट एंड हैव डिनर टूगेदर एंड यस, आई विल बी टीचिंग रेसिपीज, वी विल बी डूइंग ऑनलाइन वर्कशॉप्स। सो मैं हर एपिसोड में कुछ नया इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी और ये है हमारा सफरनामा। तो आज का हमारा पहला एपिसोड हम शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है हीरल अग्रवाल। बहुत सारे लोग मुझे मास्टर शेफ फाइनलिस्ट के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे गोरखपुर में बिजनेस वुमन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा एक ब्रांड है केकहोलिक्स, विच इज फॉर केक्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग नाइस। बट इन सब के बीच में एक सवाल ये आता है कि हु एम आई, एंड बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इनफैक्ट लेडीज का ये क्वेश्चन मुझसे होता है कि इतना जो सब कुछ मैं अब तक करती आ रही हूं, मैंने किया है, मैं करने जा रही हूं, इन सब चीजों को मैं एक साथ इकट्ठा एकजुट बांध के कैसे रखती हूं। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूं, ये स्पेसिफिकली इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए है कि अगर मैं कर सकती हूं तो ये आप भी कर सकते हैं, एंड हाउ डज ऑल ऑफ दिस मूव फॉरवर्ड एंड हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस एज अ वुमन टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। तो आज का सेशन हम शॉर्ट रखेंगे, स्वीट रखेंगे, बट लेट अस बिगिन। सबसे पहला सवाल, हु एम आई? हम सब अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं। मैं आज आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती हूं। मैं एक बिजनेस वूमन हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, आई एम अ मदर ऑफ टू, एंड मैं गोरखपुर एक बहू बन के आई हूं। सो ये मेरा नेटिव जगह नहीं है, बट यस, नाउ आई एम इन गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक सिटी है। अब तो लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ जी। एंड अदरवाइज जब मैं यहां पे आई थी तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू कि गोरखपुर क्या था या कहां था। तो यस, दिस सिटी हैज गिवन मी वट एवर आई एम टूडे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। तो मैं गोरखपुर से हूं और मेरा नाम है हीरल। सेकेंडली, मैं क्या करती हूं? मैं एक बिजनेस वुमन हूं। मेरा एक ब्रांड चलता है केकहोलिक्स के नाम से। इसमें हम केक्स, डेजर्ट्स, पेस्ट्रीज, ये सब कुछ करते हैं। एंड दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू केक्स, डेजर्ट्स एंड पेस्ट्रीज। वी कैन मेक एनीथिंग दैट यू ड्रीम ऑफ कम अलाइव इन डेजर्ट्स एंड स्वीट्स। तो ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमारा पैशन है, एंड मैं और मेरी पूरी टीम, मतलब वी आर ऑल गियर्ड अप कि हम केकहोलिक्स को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएं। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई एम आस्क्ड वेरी ऑफन कि कैसे ये शुरू हुआ और किस तरीके से मैं इस काम में आई। केक बनाना तो बहुत लोगों का पैशन होता है, आजकल बहुत लोग ये काम घर से करते हैं, बट इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करना कैसे हुआ। तो मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी 2011 में। मैं मास्टर शेफ सीजन 2 की फाइनलिस्ट रह चुकी हूं। तो वहां से एक फिर दूसरा सवाल आता है कि मास्टर शेफ में कैसे गए, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा रखेंगे। अभी हम केकहोलिक्स की बात कर लेते हैं कि केकहोलिक्स हमने शुरू कैसे किया। तो मैं मास्टर शेफ की फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ, एंड जब मैं गोरखपुर वापस आई मास्टर शेफ के बाद, तो एक अजम्पशन होता है ना कि जो अच्छा खाना बनाता है वो सभी कुछ अच्छा बनाता होगा। तो इट वॉज जस्ट लोगों को लगने लगा कि मैं अच्छा केक बनाती हूँ, नाम बनाती भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बनाती थी। तो मुझे ऑर्डर्स आने लगे, तो मैं धीरे धीरे उस काम को घर से करने लगी। मैं साथ में किचन के क्लासेस लेती ही थी, आई यूज़ टू टेक क्लासेस फॉर पीपल हु वांटेड टू लर्न डिफरेंट डिशेस। तो मास्टर शेफ ने मेरे को ये लेवरेज दिया कि मैं खुद के बिजनेस को खोल पाऊं। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद के बिजनेस को चला पाऊं।
So this is how Cakeaholic started. My husband and I, we began this brand in 2014. आज हमको हो गए हैं इस ब्रांड को करते करते 8 साल एंड वी आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ Cakeaholic. एंड अब हम बात करते हैं मेरे जिंदगी के फेवरेट हिस्से की, विच इज मास्टर शेफ. मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि कैसे चले गए, क्या होता है वहां पे, यू नो, कितना कुछ आना चाहिए इसके लिए. मेरा एक सिंपल सा जवाब रहता है कि हाँ, आना आपको चाहिए, पर आना आपको वो चाहिए जो आपको पसंद है. हाउ ट्रू यू आर टू योर फूड. मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम दिया था इसमें, जब इनिशियली ऑडिशन शुरू हुए थे, मेरे को कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं हम मास्टर शेफ से बात कर रहे हैं मैम एंड आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, तो देन वी कैन फाइनलाइज यू फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो मुझे लगा, मुझे पहले तो एक्चुअली लगा कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड ने दिया था. बट ठीक है, बात हुई, मैंने कुछ सवाल पूछे, तो उनका सवाल मुझसे ये था कि पिंडी चने में क्या पड़ता है. ठीक है भाई, मुझे जो आता था मैंने बता दिया. एंड देन आई गॉट अ कॉल अ कपल ऑफ डेज लेटर कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और मतलब क्योंकि उसमें आपको वेन्यू भरने पड़ते हैं कि आपके शहर से क्लोजेस्ट वेन्यू क्या होता है जहाँ पे उनका ऑडिशन हो रहा होता है. तो मैंने वो वेन्यू भरा था लखनऊ, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ. तो आई वॉज कॉल टू लखनऊ. आई वेंट टू लखनऊ वन डे बिफोर, क्योंकि भाई कुछ आपको घर से बना के लेने जाना था, लेके जाना था आपको उसमें. तो मुझे याद है मैंने बनाए थे दही के कबाब विद अनार की चटनी. एंड आई, ये मेरी खुद की रेसिपी है. दही के कबाब हर जगह खाते हैं आई नो, बट आई मेक इट अ लिटल डिफरेंट. आई मेक इट एक्चुअली ओनली विद दही. आई डू नॉट पुट एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग इनसाइड. तो मुझे लगा कि ये कुछ मैं यूनिक बना रही हूँ एंड इसको ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी. बट इट वॉज अ रेसिपी जो मैंने कहीं नहीं देखी है और वो मेरी खुद की इजाद थी. तो एक दिन पहले हम लखनऊ पहुंचे, वहाँ पे वी स्टेड एट अ फ्रेंड्स प्लेस. सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना मैंने दही के कबाब बनाए. मैंने रात में ना उनके फ्रिज में दही टांग दिया था कि वो ड्रेन हो जाए और मुझे सॉलिड दही मिले. सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने दही के कबाब बनाए, अच्छे से उसको पैक वैक किया. एंड मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि प्लेटिंग करके लेके जाना है, बिकॉज आई थॉट कि खाना पसंद आना चाहिए, बाकी प्लेटिंग तो क्या ही है. पहुंच गए हम वेन्यू पे. जब मैंने वेन्यू पे लाइन देखी ना, देवर आई रिमेम्बर माई नंबर वॉज 800 एंड समथिंग. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे वेन्यू पे, मतलब 800 कुछ मेरा नंबर था. मैं तो लाइन ही देख के पागल हो गई. मैं कर रहे, मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ ऐसा है ना, हम घर वापस चलते हैं. देखो इतने लोगों में तो आना नहीं है. एंड यू से, अरे ठीक है यार, यहां तक आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाते हैं लाइन में. हम खड़े हो गए लाइन में. इट टुक मी आई थिंक 2 आवर्स टू गेट इनसाइड. आगे पीछे यू नो सब कैसे बड़े बड़े डलिया, मेरा एक छोटा सा डलिया, उसमें एक दही कबाब का कैसरोल और साइड में चटनी, एंड दैट इज हाउ आई गॉट इट. देर वर कपल ऑफ शेफ्स एंड एवरीबडी सिटिंग देयर. यू नो, आप अपना खाना, आपके पास आधा घंटा था, आपको अपना खाना प्लेट व्लेट करना होता. तो मैं तो एक्चुअली सोच के ही नहीं गई थी कि ये सब कुछ भी करना पड़ेगा. तो मेरा तो जैसे था, मैं लेके गई. आई सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द शेफ, ही टेस्टेड द कबाब एंड ही सेड कि ये क्या है. आई सेड दिस इज दही के कबाब. ही सेड पर ये तो दही के कबाब की रेसिपी है नहीं. मैं कहा, अगर आपको रेसिपी ही चाहिए थी तो आपने मास्टर शेफ ऑर्गेनाइज क्यों कराया है, आप जो सीखे सिखाए शेफ है उनको बुला लीजिए. मतलब इफ यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, तो देन दिस इज द समथिंग डिफरेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट. एंड देन ही आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन कि आपको मैं 5 इंग्रीडियंट्स देता हूँ, इन्हीं 5 से आप क्या बना सकते हो. You know, and I remember he gave me haldi, pineapple, and mirchi, and I think maida bhi nahi diya tha. Pata nahi 2 aur ingredients the, aur mujhe yaad bhi nahi hai ki aap isse kya bana loge. Ki aapke paas agar sirf yahi 5 hai to. And I ended up telling him a recipe, and he was, I think, very impressed because usi samay mujhe next half an hour mein bataya gaya ki mujhe kal audition ke liye aana hai, which would be the फाइनल ऑडिशन फॉर द पीपल फ्रॉम लखनऊ, जिसमें ओनली 47 पीपल वर सिलेक्टेड. सो आउट ऑफ 1000 पीपल आई गॉट सिलेक्टेड इन द 47 दैट वर कमिंग. एंड दिस इज जस्ट लखनऊ की कहानी. ऐसे इंडिया के हर शहर में हो रहा था और हर शहर में ऐसे हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे और लोग सिलेक्ट हो रहे थे. तो क्या मैं अपने आप को कुछ डिफरेंट मानती हूँ? नहीं. This is not about being different. This is about being true to yourself. I was not afraid to speak my mind and I was not afraid of saying what my recipe is about. Maine kisi ko copy nahi kiya tha and I think that is what got me ahead.
सो इस नोट पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू एंड अस टू ब्लेंड टुगेदर कम टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे. एंड मैं इस तरह के छोटे छोटे और वीडियोज आपके लिए बनाती रहूंगी. नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको और क्या जानना है, किस चीज के बारे में जानना है, मैं आपको और क्या बता सकती हूँ. बाकी मेरी ये छोटी छोटी कहानियां मेरे काम से रिलेटेड, मेरे घर से रिलेटेड मैं शेयर करती रहूंगी. यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वो एक घंटी जैसा वहां पे आइकन दिखता है ना, उसको जरूर दबा दीजिएगा सो दैट व्हेनेवर यू हैव समथिंग आई हैव समथिंग न्यू टू शेयर विद यू आपके पास तुरंत टिंग घंटी बज जाएगी. कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू स्पीक अबाउट. थैंक यू सो मच एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम.